जिस प्रकार एकादशी तिथि का व्रत भगवान श्रीहरि नारायण को समर्पित है, उसी प्रकार त्रयोदशी तिथि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत की रजत भवन पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के संग पूजन की अर्चन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। भौम प्रदोष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है वैसे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को प्रभु श्री राम से भगवान हनुमान का प्रथम बार मिलन हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ मास का प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान हनुमान की विशेष पूजा आराधना की जाती है। मंगल दोष को दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋण से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सुखद परिणाम प्राप्त करने के लिए, मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह अर्थात मंगल देव के 21 नामों का उच्चारण करना भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 3 जून दिन सोमवार की मध्य रात्रि में 12:18 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 4 जून दिन मंगलवार की रात्रि में 10:01 पर हो रहा है और वहां से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार 4 जून दिन मंगलवार को उदया तिथि में भी और संध्या काल अर्थात प्रदोष काल में भी हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए यह प्रदोष व्रत 4 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसलिए भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 4 जून दिन मंगलवार को जो प्रदोष व्रत है वो शोभन योग और अतिगण योग में सम्पन्न हो रहा है। इस दिन सर्वासिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है और सर्वासिद्धि योग रात्रि में 10:35 से प्रारंभ हो जा रहा है और 5 जून की सुबह में 5:07 तक हमें प्राप्त हो रहा है। 4 जून दिन मंगलवार को जो प्रदोष व्रत है वो भरणी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। 4 जून को शिववास रात्रि में 10:01 तक भोजन में है, उसके पश्चात शमशान में है। इस दिन संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:46 से लेकर रात्रि में 8:50 तक है, अर्थात जो पूजा की पूर्ण अवधि है वो 2:04 है। भौम प्रदोष के दिन भक्त शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही विधि विधान के संग कीजिए और उनका पूजन अर्चन भी बहुत ही विधि विधान के संग कीजिए। इस दिन दारिद्र दहन स्त्रोत्र का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा आप कर कीजिए और दारिद्र दहन स्त्रोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना भी बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। दारिद्र दहन स्त्रोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग का जो अभिषेक आप गंगा जल से भी कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं या जो सीजनल इसमें जो फल चल रहे हैं उसके रस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और संग संग दारिद्र दहन स्त्रोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है और इसके साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह अर्थात मंगल देव के 108 नामों का उच्चारण या फिर उनके 21 नामों का उच्चारण करना भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मंगलदेव के 21 नामों का उच्चारण करके सुना रही हूँ। इसको आप सुन भी सकते हैं और इसका आप पाठ भी कर सकते हैं। तो मंगलदेव के जो 21 नाम हैं उसको आप ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिए। तो मंगलदेव का जो पहला नाम है मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामनांग कृपाकर, धरात्मज, कुंजा, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्व काम फलदाता। यह है मंगलदेव के 21 नाम। इनका अवश्य उच्चारण कीजिएगा, इसको सुन भी सकते हैं, इसका पाठ आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का जो भौम प्रदोष है उसको बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए और अपने जीवन में चल रही सभी जो परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए और इसके संग संग भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।